हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहां पर हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी को, निफ्टी 50 को, कि कल ये कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मार्केट जो है, यानी कि बैंक निफ्टी, उसका जो मूव है वो अप ट्रेंड की तरफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए, हायर हाईज का प्राइस एक्शन बनाते हुए अपसाइड की तरफ को मूव कर रही है। और यहाँ पर 38,000 का जो लेवल है ये ब्रेक हो चुका है और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखिए, जैसे ही मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ को मूव करता है तो यहाँ पर बायर्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा डाउन आता है फिर से बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट को अप ले जाते हैं। तो देखिए, यही सिनेरियो चल रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आता है तो बायर्स जो है एक्टिव होते हैं और जो है मार्केट को अपसाइड लेके जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो ये मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो बाइंग ऑन डिप का चल रहा है, यानी कि जितना नीचे आए उतना आप बाय करो। बाइंग ऑन डिप, जैसे ही डिप मार्केट करे वैसे ही आप बाइंग करो। तो मार्केट का सिनेरियो यही है बाइंग ऑन डिप का। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए, कल हमारे पास क्या लेवल्स, यानी कि कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। यहाँ पर इसने ओपनिंग करी, गैप डाउन ओपनिंग करी और उसके बाद यहाँ पर इसने हाई बनाया, यानी रिजेक्शन फेस किया 37,886 के लेवल से। इस लेवल से इसने रिजेक्शन फेस किया, डाउन साइड को मूव दिया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। चलिए मैं सपोर्ट का लेवल ड्रॉ कर देती हूँ। तो इसका जो सपोर्ट निकल कर आया वो था 37,634 के लेवल से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके देखिए ये इसने अपसाइड की तरफ को मूव दिया। यहाँ पर एक बड़े मूव के बाद फिर से एक फॉल देखने को मिला और फिर से देखिए धीरे धीरे अपसाइड को मूव दिया और फिर से लास्ट में आके फिर से हमें एक फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर इस लेवल से जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये हायर हाइज बनाते हुए अपसाइड की तरफ को मूव कर रही है मार्केट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमें अगर डाउन साइड की तरफ को आना है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर इस स्विंग के नीचे जो है हम डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। कल अगर मार्केट यहाँ पर इस रेंज में ओपन होती है और यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन बनाती है, प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ को मूव करेगी, तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी ये स्विंग ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पर इस स्विंग तक का डाउन साइड का टारगेट देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो, इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट 37,634 का लेवल होगा और जो हमारी एंट्री बनेगी फ्रेंड, तो हमारी जो एंट्री बन रही है वो बन रही है 37,800 के बाद, यानी इस स्विंग के नीचे। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर इस लेवल का, यहाँ पर ये जो लेवल है 37,350 के आसपास का लेवल है ये, तो यहाँ तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमें अपसाइड का मूव देखना है तो देखिए इस लेवल को, यानी कि यहाँ पर इसने जो हाई बनाया है ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर सकता है, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल ब्रेक होगा तभी हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं, तो जो हमारे लिए टारगेट होंगे। तो देखिए, ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करें, उसके बाद अपसाइड का मूव हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो हमारे लिए टारगेट निकल कर आएगा। तो चलिए एक बार यहाँ पर मैं टारगेट देख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं तो 38,380 का लेवल है ये, क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ से एक हमें फॉल देखने को मिला है। तो ये लेवल हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 38,500 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अपसाइड की तरफ। तो फ्रेंड चलिए, यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो जो हमारा टारगेट होगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पर 38,500 का लेवल होगा। और फ्रेंड डाउन साइड के हमारे पास ये टारगेट्स हैं, ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। चलिए यहाँ पर लाइन को मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सेकंड टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक देख सकते हैं, यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल रहने वाला है। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट्स हैं और ये हमारे अपसाइड के टारगेट्स हैं। तो फ्रेंड देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, निफ्टी 50 में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पर इसने जो रिजेक्शन फेस किया, यानी कि यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिला है, तो वो लेवल है 17,390 का लेवल।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है, और यहाँ पर इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है यानी कि यहाँ पर इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो देखिए यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर एक हमें बड़ी कैंडल देखने को मिली, यानी यहाँ पर फिर से हमें एक फॉल देखने को मिला, और फिर से यहाँ पर इसने जब इस लेवल को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें मिला। तो देखिए फाइनली यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो चुका है, और हमें जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे मिल चुकी है 17,294 के लेवल पर। तो फ्रेंड देखिए अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है यानी कि अगर हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूव देखना है, तो देखिए यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, 17,213 का लेवल। क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड को एक अच्छा मूव दिया, और फिर से देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से इसने अपसाइड मूव दिया, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस रेंज में, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है और यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करें, तो हम यहाँ पर डाउन साइड के जो है टारगेट देख सकते हैं। तो जो हमारे टारगेट निकल कर आएंगे फ्रेंड, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, तो यहाँ पर हम इस लेवल तक अपना फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं 17,154 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पर इस लेवल तक देख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,060 का लेवल। क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर फिर से अपसाइड हमें मूव देखने को मिला है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे कल के टारगेट्स होंगे डाउन साइड की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन बनाता है डाउन साइड की तरफ, और यहाँ पर ये लेवल सारे ब्रेक होते हैं, अगर ये भी ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पर इस लेवल तक जो है अपने टारगेट को देख सकते हैं 16,950 के पास का लेवल। तो ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो है मार्केट बिहेव कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन करता है, अगर गैप डाउन ओपन करने के बाद प्राइजेक्शन डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है, तभी हम यहाँ पर ये टारगेट देख सकते हैं, और अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पर ये टारगेट देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अप साइड की तरफ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अप साइड की तरफ का जो हमारा मूव बनेगा वो इस लेवल पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है अपसाइड की तरफ को मूव करता है, यानी यहाँ पर एक कोई हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है और यहाँ से अपसाइड को मूव करेगा, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जहाँ पर इसने हाई बनाया है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,390 का लेवल। तो अपसाइड की तरफ हमारे पास ये टारगेट है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर रेंज बना देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये हमारे लिए फ्लैट रेंज होगी। तो ये लेवल हमारे लिए फ्लैट है, यहाँ पर ओपन होगा, अपसाइड मूव करेगा, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जहाँ पर इसने रिजेक्शन फेस किया है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा फ्रेंड, तो देखिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं टारगेट बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सॉरी ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यहाँ सपोर्ट है। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 17,443 का लेवल होगा, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पर 17,500 का लेवल, सॉरी 17,530 का लेवल, ये लेवल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, तो देखिए इस लेवल से जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है 17,530 का लेवल। तो ये हमारे लिए कल के लिए टारगेट्स हैं। चलिए मैं अपसाइड के लेवल्स लगा देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ये टारगेट देख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट होगा। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस। देखेंगे मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन, कितने पॉइंट से गैप अप ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।